इंसानियत के तौर पे हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि क्रिकेट से बढ़ के लाइफ है, फैमिली फर्स्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बंदे की स्किन में रह के वो कैसा फील कर रहा होगा खुशदिल। और देखें, ये एक एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की, पिछले साल नसीम शाह के साथ ऐसा हुआ था, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो उधर नसीम शाह भी इसी इंसिडेंट से गुजरा था। तो कभी भी आसान नहीं होता इसके लिए कोई मतलब, आप जो कुछ भी बोल दें, आई डोंट थिंक उससे कोई कोई डिफरेंस वो होती है। तो बस हमें खुशदिल के वालिद साहब के लिए दुआ करनी चाहिए, खुशदिल और उसकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। और बस हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें करे जो उसकी फैमिली चाहती है कि देखे, जो हमेशा देखना चाहते थे उसके वालिद साहब, जो खुशदिल शाह एक एक ऐसा क्रिकेटर बने पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे।